రాధాబాబు వార్డ్ అనేదిగా నా సంపర్కి निवेदन के तौर माँ दंडे प्रति छायाचित्र से पुष्पार्पित की थी। इसलिए एक बार नमाज सुनते हैं आप लोग, नागपुर किसने बसाया? नागपुर बसाया राजा भक्त बुलंद शाह ने। हमारे दादा मुखिया सलाम जी बुरे समाज के जिला के अध्यक्ष और यहाँ पूरे पूरे जनता राज्य के लोग आए और ऐसे सच्चा रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है डीलिस्टिंग करना, यानी डीलिस्टिंग यानी हमारे समाज का व्यक्ति, जनजाति समाज का व्यक्ति यदि अपनी आस्था परंपरा पुरखा अपनी पहचान छोड़कर के अन्य किसी धर्म को अपनाया है, मिशनरी या फिर मुसलमान बन गया है, ऐसे लोगों का जो हमारा जनजाति सूची से नाम कटना चाहिए, इस विषय को लेकर के हमने अभी ये आंदोलन किया है। इस प्रकार का भ्रमित किया जाता है कि बीमार थोड़ा सा बुखार भी आता है तो उनको भ्रमित किया जाता है, ईसाई धर्म जो पास्टर लोग जाके भ्रमित किया जाते हैं कि हमारे धर्म में आओगे तो जल्दी से आप लोग ठीक हो जाओगे, बीमारी दूर होगा, इस प्रकार करके जो उन लोग को भ्रमित करते हैं। या तो कोई भी आज संस्था केवल प्रार्थना करने से ठीक नहीं हुआ है, आज पूरे लोगों को अस्पताल जाना पड़ रहा है, देवी देवताओं के पास भी हम लोग को जाना पड़ रहा है, हम सभी वो काम करते हैं। सभी परगना के मांझी मुखिया, वहाँ के समाज के प्रमुख और भी सर्व समाज के लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। क्या कुछ होगा आज यहाँ पे? हम मांग कर रहे हैं सरकार से कानून में संशोधन हो और हमारे मांग को उसको पूरा करना चाहिए सरकार को, यदि नहीं होगा तो और भी आगे आंदोलन करेंगे।